हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.86 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। द मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन अ थिन होमोजेनियस रॉड एंड अ फ्लोर एट विच अ पर्सन कैन स्लोली लिफ्ट द रॉड फ्रॉम द फ्लोर विदाउट स्लिपेज टू द वर्टिकल पोजिशन Applying to its end a force perpendicular to it is, यानी एक रफ सरफेस के ऊपर एक रॉड का एक कॉर्नर रख के उसके दूसरे कॉर्नर पर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करके स्लोली बिना स्लिप कराए हुए इस रॉड को उठाना है और हमें बताना है कि मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस और रॉड के बीच में कितना होना चाहिए। सो कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। आप ध्यान दें, यह एक रफ सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैं एक रॉड प्रेजेंट कर रहा हूं किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पर। यहां पर ध्यान दें कि रॉड को आप ये मान सकते हैं कि थीटा की 0 डिग्री वैल्यू से उठाया जाना है और इसे वर्टिकल पोजीशन तक ले जाना है, यानी थीटा को आप 0 से 90 डिग्री के बीच में वैरी करता हुआ मान सकते हैं। अब ध्यान दें, किसी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट के लिए बनाए गए इस पिक्चर में अगर मैं सभी फोर्सेस को प्रेजेंट करूं तो एक फोर्स आप इस एक्सट्रीम पर एग्जर्ट कर रहे हैं बिल्कुल रॉड के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर, इसे मैं एफ कह रहा हूं। रॉड के वेट को सेंटर पोजिशन पर कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, सो मैं एमजी को इस सेंटर पॉइंट पर शो कर रहा हूं। क्वेश्चन में हमें म्यू का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसके लिए इस रॉड को बिना स्लिप कराए हुए इस फोर्स को अप्लाई करके स्लोली स्लोली उठाया जा सके, वर्टिकल कंडीशन तक लाया जा सके। सो कुछ इस तरह का पिक्चर इन दोनों फोर्सेस के बनाने के बाद हमको मिला है। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि अगर इस रॉड को स्लोली उठाया जाना है तो इस कंडीशन में इस रॉड में किसी भी प्रकार के एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो क्लियरली सभी फोर्सेस और सभी प्रकार के टॉर्क्स को अलग अलग इक्वेशंस में बैलेंस होना चाहिए, यानी उनका नेट रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दें, अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जिसमें रॉड नेट फोर्स को 0 शो कर सके तो इस रॉड पर लगने वाले तीसरे फोर्स यानी इस ग्राउंड के साथ इसके कॉन्टेक्ट पर जो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा उस फोर्स को भी इन्हीं दोनों फोर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि यही कंडीशन हो सकती है जिसमें इस रॉड को स्लोली स्लोली उठाया जा सकेगा। यहां पर ध्यान दें, स्लोली स्लोली उठाए जाने का अर्थ आप ये लगाएं कि कॉन्टेक्ट फोर्स अपनी वैल्यू को बदल करके इस तरह से एडजस्ट कर ले कि हर स्थिति में mg और f के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कॉन्टेक्ट फोर्स पास हो सके। आप जानते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स में से एक फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल होती है, अपनी अपर वैल्यू तक पहुंचने तक फ्रिक्शन वेरी करता है। सो फ्रिक्शन के वेरिएबल नेचर के कारण हम जानते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बदल पाएगा। सो किसी भी एंगल के लिए हमें इस तरीके की सिचुएशन एडजस्ट करनी होगी कि ये तीसरा कॉन्टेक्ट फोर्स जो हम बनाने वाले हैं ये इसी पॉइंट से पास हो। सो मैं इक्विलिब्रियम के किसी एक पिक्चर को शो कर रहा हूं, सो मैं कॉन्टेक्ट फोर्स को इसी पॉइंट से पास कराऊंगा। आप ध्यान दें, ये कुछ गलत बना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं कुछ इस तरह की लाइन से और अब हम इसे आगे बढ़ा दे रहे हैं। इस डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट फोर्स परफॉर्म करेगा इस पोजीशन के लिए और हम जानते हैं कि ऐसा करने पर ही इस रॉड को स्लोली स्लोली उठाया जा सके। ना हम रॉड में नेट फोर्स चाहते हैं और ना ही नेट टॉर्क। सो इस तरह का पिक्चर बनना चाहिए इन तीनों फोर्सेस के कारण इस रॉड का, और अब हमें इस ज्योमेट्री के बेस पर यह कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। मान लीजिए वर्टिकल के साथ कॉन्टेक्ट फोर्स जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, इस एंगल को हम थीटा मान चुके हैं। सो इसे 90 माइनस थीटा और इस एंगल को थीटा होना चाहिए। इस एंगल के अल्फा होने के कारण इस एंगल को अल्फा होना चाहिए
और चूंकि ये डिस्कस हो चुका है कि ये 90 माइनस थीटा है तो मैं इसे भी लिख दे रहा हूं। अब आप ध्यान दें कि हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिल चुका है जिसमें हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू मालूम है और इसके अलावा इस पॉइंट के सेंटर होने के कारण हम इन दोनों लेंथ को L/2 कह सकते हैं। हम यहां पर रॉड की ओवरऑल लेंथ को L कंसिडर कर रहे हैं। अब ध्यान दें, हम एक थ्योरम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर टॉप पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ की जाए सामने वाले साइड पर और ये दो एंगल्स अल्फा और बीटा हो, ये एंगल थीटा हो और इन दोनों पीसेस का लेंथ रेशियो एम रेशियो एन हो, तो हम जानते हैं कि एम प्लस एन कॉट थीटा को एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा फॉर्मूले से दिया जा सकता है। अब इस थ्योरम जिसे हम कॉट थ्योरम के नाम से जानते हैं, अगर मैं इसे अप्लाई करूं अपनी प्रॉब्लम पे, सभी वैल्यूज को अप्लाई करने के बाद क्या आउटकम मुझे ऐसा करने पर मिलेगा, आप उसे ध्यान से देखें। अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे यही इक्वेशन मिलेगी, L/2 + L/2 यानी एल कॉट थीटा की जगह मैं 90 माइनस थीटा लिख पाऊंगा, एम का रोल L/2 प्ले कर रहा है और एन का L/2। इस फॉर्मूले को लिखते समय आप ध्यान दें कि एन को हमेशा उस एंगल की तरफ लिया जाएगा जिसे इस डायग्राम में थीटा से शो किया गया है। सो ये एन है, ये एम है और इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं और अब वैल्यूज अप्लाई करने पर ये बनेगा L/2 कॉट अल्फा माइनस एन की जगह भी L/2 और कॉट बीटा की जगह कॉट थीटा। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर लूं एल को कैंसिल करने के बाद, तो मुझे मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा अपॉन टू माइनस कॉट थीटा अपॉन टू। टू के टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना चाहता हूं मैं ताकि इसे मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिख सकूं और अब कॉट अल्फा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 tan θ + cot θ, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा कॉट अल्फा के लिए। और टेन अल्फा के लिए अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं तो ये होगा 1/2 tan θ + cot θ, यानी किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा को हमने अल्फा से कनेक्ट कर दिया है। और अब ध्यान दें कि इस रॉड को अगर इस सरफेस से स्लोली उठाया जा रहा है एफ फोर्स की हेल्प से और आप इस सेकंड टर्मिनल को स्लिप नहीं कराना चाहते हैं लेकिन आप म्यू को मिनिमम रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये जो अल्फा एंगल है आप समझ सकते हैं कि इसे लैम्डा से कम होना चाहिए। हम जानते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स जब अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो इस अल्फा की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा तक पहुंच सकती है और चूंकि टेन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सो टेन लैम्डा को टेन अल्फा से ग्रेटर कहा जा सकता है। यहां पर ध्यान दें कि टेन 0 से 90 के बीच में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगी, सो टेन लैम्डा को टेन अल्फा से ग्रेटर बोला जा सकता है और टेन अल्फा इस टर्म के इक्वल है, सो 10 लैम्डा जिसे हम म्यू कह सकते हैं को ग्रेटर कहा जाएगा 1/2 tan θ + cot θ से। और अब अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाऊं ये कैलकुलेट करने के लिए कि आखिर थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के बेस पे म्यू का वैल्यू मिनिमम क्या डिसाइड होना चाहिए, तो कैसे ये किया जाएगा एक बार समझें। मैं ये कॉट थ्योरम यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में दो नंबर्स एक्स और वाई का अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर या इक्वल होता है उनके ज्योमेट्रिकल मीन से। सो अगर मैं 2 tan θ और cot थीटा को दो टर्म मान के इस कंसेप्ट को यूज करूं तो मुझे मिलेगा 2 tan θ + cot θ / 2 इज ग्रेटर देन 2 tan θ * cot θ स्क्वायर रूट, और 10 और cot को कैंसिल करने के बाद 2 tan θ + cot θ का वैल्यू मुझे ग्रेटर मिलेगा 2√2 से, यानी 2 tan θ + cot θ का वैल्यू 2√2 से ग्रेटर होना चाहिए। कुछ इस तरह का म्यू का वैल्यू हमें मिला है, यानी 2 tan θ + cot θ का वैल्यू 2√2 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। अब आप ध्यान दें, म्यू का वैल्यू किसी भी कंडीशन में इस वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए और हमें म्यू का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप समझ सकते हैं कि म्यू मिनिमम कंडीशन में भी
इस टर्म से तो बड़ा ही होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें यह चेक करना होगा कि यह टर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। अब जरा इस एक्सप्रेशन पे आए, 2 tan थीटा प्लस cot थीटा हमेशा 2√2 से बड़ा रहेगा, तो यह एक्सप्रेशन हमें बताता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2√2 है। सो अगर मैं डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू अप्लाई करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। सो हम जानते हैं कि अगर हमें म्यू को मिनिमाइज करना है तो हमें थीटा को ऐसे सेट करना होगा कि ये टर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे सके। आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये कहा जा रहा है कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से हर स्थिति में बड़ा बने रहना है, अगर पहले नंबर x को दूसरे नंबर y से हमेशा ग्रेटर रखना है, और y के बारे में आप जानते हैं कि ये 10 से 20 की रेंज पे लाई करता है, तो आपको ये बोलना होगा कि x की वैल्यू 20 से भी ज्यादा रखिए, 20 या 20 से भी ज्यादा रखिए, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप x को हर हालत में y से बड़ा करना चाहते हैं। ठीक वही कंसेप्ट मैं भी लगा रहा हूं कि इस टर्म का मिनिमम वैल्यू 2√2 है, और जब मैं इसका सबसे छोटा वैल्यू लगाऊंगा तो यह कंप्लीट एक्सप्रेशन सबसे बड़ा बन जाएगा, और मैं चाहूंगा कि म्यू उससे भी बड़ा बना रहे और वही म्यू की मिनिमम वैल्यू हो। आप ये जानते हैं कि ये अपनी अपर मोस्ट वैल्यू 1/2√2 देगा, और हम चाहेंगे कि 1/2√2 से भी ज्यादा बड़ा रहे म्यू। सो म्यू की वैल्यू 1/2√2 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, और चूंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस प्रॉब्लम में, सो म्यू की मिनिमम वैल्यू को हम बोलेंगे 1/2√2। सो इस तरह से म्यू की मिनिमम वैल्यू 1/2√2 कैलकुलेट हुई है, और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। सो इस तरह से cot थ्योरम को यूज करके मिनिमम एफर्ट में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप ध्यान दें कि हमें केवल एक डायग्राम बनाना पड़ा है जो लैमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई कर रहा है, बाकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोर्स डायग्राम को यूज नहीं करना पड़ा है। इस बनने वाले ट्रायंगल में cot थ्योरम अप्लाई करके डायरेक्ट ये आंसर हमें मिला है। एक बात पर और ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपनी इस क्लिप में हमने टॉर्क को यूज नहीं किया है, लेकिन अपनी अगली क्लिप में जब सेम प्रॉब्लम को हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो टॉर्क इक्विलिब्रियम के बेस पे इसे सॉल्व करेंगे। आज हमने लैमीज थ्योरम में फोर्स के इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना के इसे सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्लिप में टॉर्क के इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से हम इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।